बेसब्री से इंतजार था इस गाने के रिलीज का, क्योंकि हमारे दोस्त आज़ाद हुसैन, जो कि मेरा बहुत ही लाडला है, टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, मेरी पिछले 7-8 फिल्मों से मुझे बहुत सपोर्ट कर रहा है। मैं समझता हूँ कि सारी फिल्में मेरी, चाहे वो मनी बैग गारंटी हो, चाहे वो लॉकडाउन टू अनलॉक हो, चाहे वो बिग बॉस हो, चाहे पिछली फिल्म जो अभी रिलायंस एंटरटेनमेंट पर है, SRK म्यूजिक पर है, सुनील पॉल ऑफिशियल पर है, फिल्म का नाम है गाली गलौज। अगर ये फिल्म पूरी टेकोर की और बहुत अच्छी तरह से टेक्निकली बहुत खूबसूरत बनाई। अब हमारी आने वाली फिल्म है कॉफ़ी विद अलोन, एक अलग टाइप की फिल्म है। अकेला बंदा इस एक्ट्रेस में, और इसका स्लोगन है कॉफ़ी विद अलोन। ये फिल्म कैरेक्टरलेस है, क्योंकि कोई कैरेक्टर है नहीं, सिर्फ एक्टर ही है। तो ये 1.5-2 घंटे की फिल्म आ रही है जो सेंसर में जा रही, और इसमें इंडिविजुअली डायरेक्टर उसका नाम आ रहा है, ये पहली उसकी एज ए डायरेक्टर फिल्म रिलीज होगी। ऐसे तो बहुत कर चुके वो, तो उसने जब ये फिल्म बनाई, तो क्योंकि मैं उसकी स्पीड जानता हूँ और स्पीड के साथ साथ खूबसूरती जानता हूँ, तो वो खुद अपने काम में बहुत हैंडसम है, तो उसका हर प्रोजेक्ट हैंडसम लगे तो हो ही जाएगा, है ना। तो मैं समझता हूँ कि और उसमें अगर ऐसा सचमुच हैंडसम मिल जाए, और ऐसे हैंडसम नंबर 2 मिल जाए, और एक खूबसूरत लड़की मिल जाए ऐसी, करिश्मा कर, तो करिश्मा तो होना ही भाई। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बेसब्री से इंतज़ार था संगीत के चाहने वालों को, सुनने वालों को, एक अच्छे एल्बम का, जो एल्बम नहीं बल्कि बम हो, म्यूजिक की दुनिया का बम हो, ऐसा फूटे कि चाहत फतेह अली खान को पता चले कि संगीत क्या है, म्यूजिक क्या है ना। तो मैं समझता हूँ कि इस गाने को, इस गाने की तमाम टीम को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं हूँ सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल। आप सब के लिए यही दुआ है कि आप अपने कार्य से करते रहो कमाल और धमाल। लव यू ऑल। और ऐसे ही नए नए प्रोजेक्ट, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट अब आने शुरू हो जाने चाहिए, क्योंकि बहुत हुआ रोना धोना, अब एंटरटेनर मांगता है देश का कोना कोना। मुन्ना भैया, एक और गाना आपके लिस्ट में, बतौर एक्टर बतौर सिंगर भी इसमें शामिल हुआ, आप इसमें परफॉर्म भी कर रहे हैं, और वैश्वान ने बताया कि आपने डांस भी किया है, बड़ा शानदार वाला। थैंक यू रमेश जी, FMD म्यूजिक चैनल, थैंक यू विशाल जी और आजाद जी, पूरे टीम, हमारे जितने भी साथ काम करने वाले, सबको बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमें चुना और इस काबिल समझा कि हम इनके साथ काम कर सकें। और हम सब ने पहले भी, हमने कहा कि हम सब बहुत मेहनत भी किए हैं,
और हमारे जो कोरियोग्राफर हैं तीरथ निषाद, उन्होंने हमसे और करिश्मा से बहुत अलग अलग स्टेप्स करवाए हैं, मेहनत भी करवाए हैं। डायरेक्टर ने डे नाइट जग करके मेहनत किया है, तो हम चाहते हैं कि जितने लोगों ने सब मेहनत किया है तो इसका फल ना जो हमारी जनता है, जो हमारी गाने को सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो लोग देते हैं। तो निवेदन है सबसे कि आप लोग हमारे गाने को इसको प्यार दें, जो 3 तारीख को FMD म्यूजिक पर रिलीज़ हो रहा है, और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। करिश्मा, आप बताइए अपने बारे में, आपकी पहली बार आप भोजपुरी में फीचर कर रहे हो, वो भी एक सॉन्ग के अंदर हैंडसम लागेला FMD ग्रुप के साथ, क्या बताना चाहती हैं आप अपने बारे में, कैसे आपको ये गाना ऑफर हुआ? सबसे पहले तो मैं FMD म्यूजिक कंपनी के जो ऑनर है रमेश जी, उनको थैंक्स बोलना चाहूँगी। मुझे जो विशाल दा है इस कंपनी के हेड, उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया था, उनको लगा कि एक सॉन्ग है जो मुझे करना चाहिए। एक्चुअली काफ़ी टाइम से हम करने के साथ में काम करने की कोशिश कर रहे थे, बट समाउ नहीं हो पा रहा था। तो सडनली आए और मुझे इंट्रोड्यूस करवाया रमेश जी से, देन मुन्ना जी से, और मुन्ना जी ने फिर जब मुझे सॉन्ग सुनाया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तब विशालदा ने कहा कि तुम करोगी क्या, तो मैंने बोला ओके ठीक है करते। फिर मैं आगर जी से मिली मैं, तो फिर साथ में काम शुरू हुआ हमारा। मुझे तो अच्छा लग रहा है सबके साथ काम करते, क्योंकि काफ़ी लोग सब ने इस सॉन्ग के दौरान सब ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत। ओके रमेश जी, FMD के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? मुझे बताया गया है कि भोजपुरी के साथ साथ और भी क्षेत्रीय भाषाओं में आप बहुत शानदार काम कर रहे हैं, अलग अलग भाषाओं के अंदर, ज़रा बताइए FMD के इतिहास के बारे में। पहली बात तो प्रेस के सब मित्रों का नमस्कार, और यहाँ जो भी है सुनील पाल जी आए हैं उनको धन्यवाद, और यहाँ पर जो भी टीम मौजूद है मैं थैंक्स करना चाहूँगा FMD के तरफ से। FMD ये ऐसा कंपनी है जो मैंने कोविड में शुरू किया था, बट इसका जर्नी बहुत उथल फुथल रहा, क्योंकि मैं इस जर्नी में कोविड में मैं अपना भाई को खोया हूँ जो मेरा पार्टनर था, बट फिर भी मैं वो सब पीछे छोड़ के फिर मैं 1.5 साल से म्यूज़िक में काफ़ी काम किया हूँ, अभी तक मोर देन 100 सॉन्ग्स किया है FMD के तरफ से। और हमारा जो मेन चैनल है FMD म्यूज़िक चैनल, जहाँ पर हमारे हिंदी और पंजाबी गाने हैं, वो सिल्वर बटन भी आया है YouTube का, तो हम एक क्वालिटी काम कर रहे हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री के अंदर। एंड हमारा फोकस है रीजनल भाषाओं पे जोर देने का, और हमारा अलग अलग चैनल है, हरियाणवी में, बंगाली में किया है हमने, साउथ का भी कर रहे हैं, और अभी भोजपुरी में ये पहली बार मतलब करिश्मा जी को लॉन्च कर रहे हैं। करिश्मा एक ऐसी एक्ट्रेस है जो काफ़ी ऑलरेडी जाना माना है, बट भोजपुरी में पहली बार आ रही है, एंड वो डेफिनेटली अपना करिश्मा दिखाने जा रही है, और साथ में मुन्ना दुबे भी जुड़े हैं, तो उनका गाना भी बहुत बढ़िया लगा मुझे सुनते ही। तो विशालदा हमारा जो चैनल हेड है, उन्होंने आके मुझे बोला है कि रमेश जी हम करते हैं, तो मुझे अच्छा लगा, एंड पूरा उनका एफर्ट था, उन्होंने पूरा टीम को इकट्ठा किया, टीम के साथ रात भर काम करवाया, और ये आउटपुट आपको देखने मिलेगा गाने में कितना मेहनत किया टीम ने, और कि क्या क्वालिटी आउटपुट आएगा। मेरा स्पेशल थैंक्स टू आज़ाद जी और तीरथ जो कोरियोग्राफी किए, आज़ाद जी डायरेक्ट किए हैं, तो सबका टीम वर्क है। एंड आई थिंक ये एक ही गाना नहीं, हैंडसम लागेला के अलावा और 2 गाने भी बहुत जल्द रिलीज़ होने वाला है, तो हम यही चाह रहे कि आप हमको दुआ दे, इसको सब्सक्राइब करें, और सबको अपना काम अच्छा लगा तो हम और भी बहुत सारे काम करेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर। सर, क्या FMD म्यूजिक भोजपुरी से फिल्में भी हम देख पाएंगे या सिर्फ गाने ही हम सुन? जरूर, हम अभी शुरुआत किए हैं तो करेंगे जरूर मूवीज के अंदर भी। हम मेरा ये तमन्ना है कि मेरा और विशाल जी का कि हम OTT भी शुरू करने जा रहे हैं बहुत जल्दी। तो मेरा एक्चुअली बॉम्बे मूव, मैं बेसिकली साउथ से हूँ, हैदराबाद से, बट
बॉम्बे आया हूँ यहाँ OTT खोलने भोजपुरी का, बट ये काफ़ी टर्निंग्स लिया और फाइनली म्यूज़िक के साथ शुरू किया हूँ, बट म्यूज़िक में एक एस्टैब्लिश करके हम ग्रेजुअली ऑलरेडी मैं साउथ का मूवीज़ को प्रोड्यूस कर रहा हूँ, काफ़ी काम कर रहा हूँ, बंगाली में भी काम कर रहा हूँ, भोजपुरी में आप देखेंगे सब, अभी तो सस्पेंस है, आपको सब सिंगर्स अच्छे अच्छे सिंगर्स आएंगे जुड़ रहे हैं। भाई सवाल ये है कि जैसा आपने कहा अरविंद भंडारे साहब कह रहे हैं कि भाई एक OTT के लिए स्पेस है, भोजपुरी में एक आपको नहीं लगता एक अच्छी OTT प्लेटफॉर्म की जरूरत है या स्पेस है? देखिए इसको मैं नॉर्मल जवाब नहीं दूंगा, मैं कहूँगा कुछ सेलिब्रिटी यहाँ पर आते, बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते देश के और इस हमारे हैंडसम लागेल को शुभकामना देते, तो मैं समझता हूँ कि जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी आते माँ कसम मेरे को लगता है माँ का बाप का भाई का सबका फेवरेट एल्बम होने वाला है, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, ये प्लेटफॉर्म को सलाम है भाई ने हैदराबाद से आके जो भोजपुरी में जबरदस्त काम किया है, कभी कभी लगता है भगवान यही है सेक्रेट गेम, माँ कसम हैंडसम लागेल को अपनी तरफ से यहाँ से लेके वासेपुर तक सबकी शुभकामनाएं, ये सब सुनेंगे और माँ कसम एक ही आवाज़ आएगी हैंडसम लागेल लागेल, क्यों पंकज त्रिपाठी पंकज त्रिपाठी बढ़िया काम किया बहुत बढ़िया, विशुद्ध रूप से भैया ने बहुत बढ़िया काम किया, इनको देख के बाबूजी की याद आ गई, उनका भी विल पावर बहुत अच्छा था, हैदराबाद से लेके भोजपुरी में काम करने वाला ये पहला बंदा है, क्योंकि भोजपुरी से हैदराबाद में काम करने के लिए तो एक आदमी चला गया था जिसका नाम है राम गोपाल वर्मा, नाम भोजपुरी का काम साउथ का, ये बंदा साउथ का काम कर रहा है भोजपुरी में बहुत बढ़िया, अब जाओगे बहुत दूर फ्रॉम मिर्ज़ापुर टू वासेपुर, गृह मंत्री अमित शाह जी देखिए आज ये जो कार्यक्रम हुआ है ये गठबंधन नहीं है, एक तरह की मित्रता है, घर का कार्य है, इसलिए मैं गृह मंत्री होने के नाते आप सभी घर वालों को आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ, हैंडसम लागे ल से जुड़े हुए जितने भी मान्यवर हैं मान्यवडु हैं सबको मेरा संपूर्ण समर्थन है, ये हैंडसम लागे ल वीडियो और ऑडियो जो है OTT की दुनिया में बादशाह है सहनशाह है, मैं तो कहता हूँ अमित शाह बहुत आगे जाएगा और इतना जाएगा आगे क्योंकि लाखों आर्टिस्टों को खिला रहा है भाजी पूरी, लाखों आर्टिस्ट को खिला रहा है दो वक्त की भाजी पूरी, हमारा प्यारा भाषा भोजपुरी, तो आप लोगों को नहीं लगेगी किसी की नज़र क्योंकि आपके आपके फैन है दुनिया की नर नारी श्वेता तिवारी और मनोज तिवारी, हैंडसम लागे लो वीडियो तू देख लो हाँ जरूरत है खूबसूरत है शानदार मुहूर्त है ए राजा जी, डांस भी है इसमें रोमांस भी है और एक हैप्पी मूड का गाना है, एक्चुअली डांसिंग रोमांस रोमांटिक सॉन्ग है जैसे गोविंदा साहब के होते हैं, जैसे भोजपुरी में हमारे खेसारी पवन जी और साउथ में हमारे चिरंजीवी साहब की तरह होते हैं जो एकदम डांसिंग नंबर, ऐसे हमारे भाई ने कह के हाँ ऐसे हमारे भाई ने ज़बरदस्त डांस किया है और शक्ल से देखिए ये भी एक तरह से गोविंदा ही लग रहे हैं मुझे, कहीं ना कहीं चमत्कार होने वाला है, प्रभुदेवा भी लग रहे हैं, कहना चाहूँगा विशाल सर को क्योंकि इन्होंने इनके वजह से ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा बना है और मैं बहुत हैप्पी हूँ कि विशाल सर खुद से हमारे चैनल के मालिक हैं, वो खुद से करिश्मा जी ने बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग किया है और हमारे मुन्ना भाई भी बहुत काम किए मतलब हार्ड वर्किंग किए, फर्स्ट टाइम डांस इतना अच्छा ना सर, तीरथ ने बहुत अच्छा कोरियोग्राफी किया है, तो थैंक यू सो मच विशाल सर आपने ये मौका दिया मुझे। मैंने रमेश जी से मेरी मुलाकात होने के बाद मैंने रमेश जी से मिले, रमेश जी का जो पैशन है मीडिया एंटरटेनमेंट के बारे में, उनके जब मैंने FMD म्यूजिक के बारे में मैंने जब सुना, उनका जो पास्ट वर्क जो मैंने देखा, उनका जो फ्यूचर का जो स्ट्रेटेजी जो उन्होंने जो लिया हुआ है मुझे अच्छा लगा, तो फिर मैं बोला कि ठीक है रमेश जी मुझे ऑफर किए इस चैनल का FMD म्यूजिक का हेड बनने के लिए तो मैं तुरंत एक्सेप्ट कर लिए हैं,
फिर मेरा रमेश जी के साथ मेरी बहुत सारे स्ट्रैटेजी एंड विजन को लेके हम लोग को डिस्कस हुआ है। हम लोग भोजपुरी के OTT लॉन्च बहुत जल्द से जल्द हम लोग करने वाले हैं, जो एक धमाल एक OTT प्लेटफॉर्म आने वाले, दुनिया से हट के दुनिया से अलग एक हम भोजपुरी OTT हम लोग लॉन्च करेंगे बहुत जल्दी। हमारा काम शुरू हो चुका है, विदिन द 1-3 मंथ्स के अंदर हमारा बिग एक प्लेटफॉर्म आएगा OTT भोजपुरी के बारे में। जब ये भोजपुरी सॉन्ग के लिए जब मैंने बात किया उन्होंने, मैं बोला मेरा एक मित्र है मुन्ना दुबे, जो भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने माने लिरिक्स राइटर है, एक म्यूजिक डायरेक्टर है, एक सिंगर है, ना जाने कितने फिल्मों में उन्होंने काम किया था। तो मैंने उनको किया कि मुन्ना जी आपको मेरे चैनल के लिए, हमारे चैनल के लिए आपको संगीत बनानी है, आपको परफॉर्म भी करनी, आपको डांस भी करनी है, आपको मैं डांस करना देखना चाहता हूँ, तो ऐसा एक कंपोजिशन आप दीजिए ताकि एक ऐसा गाना बन जाए ताकि एक लाइमलाइट पे आप भी आ जाओ और पूरा FMD म्यूजिक जो है एक बढ़िया तरीका से हम लोग उसको आगे लेके जाए। बहुत रोमांटिक डांस की जो ट्रेनिंग मेहनत हम लोग बहुत रिहर्सल किए, आपने देखे होंगे कि भोजपुरी का नाम सुनते ऐसा ऑन द फ्लोर पे जाके कोरियोग्राफ होता है, शूट हो जाता है, बट हम लोग करिश्मा कर को लेके, मुन्ना को लेके हम लोग स्पेशली उन लोगों को काफ़ी टाइम हम लोग रिहर्सल किए, ग्रुप डांसर को लेके हम लोग रिहर्सल करवाए हैं, तब जाके एक क्वालिटी आपको देखने को मिलेगा इस सॉन्ग पे। मतलब सब के सब कोरियोग्राफर से लेके डायरेक्टर से लेके ऑल डांसर्स जो है सब ने इतना मेहनत किया हुआ है, जो आप लोगों को इस सॉन्ग में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। वाकई बहुत अच्छा लगता है कि फाइनली वो दौर आ गया जब भोजपुरी सिनेमा में एक क्रांति आई है, और फिर चाहे वो म्यूज़िक वीडियो हो, फिल्में हो, और OTT में भी एक अच्छी पहल चल रही है। और जैसा इधर लोगों ने कहा कि बहुत हार्डवर्किंग, सारे लोगों ने हार्डवर्किंग किया है, और ये बड़े जुझारू मालूम होते हैं कि ये करना वो करना है, और जल्दबाजी भी दिखा रहे हैं। मतलब बहुत अच्छी, मतलब ये एक अच्छा संकेत है कि सब कुछ हमें बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। तो ऐसा समागम बहुत कम देखने को मिलता है, और इतनी रफ्तार से, और सुनील भाई का जहाँ मौजूदगी है, प्रेजेंस है, तो यकीनन ये कामयाब होता दिख रहा है मुझे, जो भी ये सोच रहे हैं। मुन्ना भैया को इस गाने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और जैसा कि सर ने, मैंने देखा कितनी मेहनत इन्होंने अभी जो है शुरू की है, और इसकी मैं इनको ढेर सारी जो है बधाई देना चाहता हूँ, और सुनील भैया को भी। तो इस साथ 3 जुलाई को इनका गाना आ रहा है, तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस गाने को देखिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। वाह।